वेलकम फ्रेंड वंस अगेन टू माय चैनल जड़बी से बायोलॉजी ऑनलाइन। तो आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें ह्यूमन में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल और सेकंड पार्ट आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं वो तीन होती है। फर्स्ट होती है सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड होती है लीवर और थर्ड होती है पैंक्रियास ग्लैंड। तो ये सारा कुछ स्टडी करेंगे आज के वीडियो में। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है तो वो इजी और सिंपल लैंग्वेज में स्टडी करेंगे, जिससे आपको भी आसानी हो समझने में। तो वीडियो जो है तो इम्पोर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड होते हैं दो पार्ट, जैसे हमने पहले बताया। फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल, ये माउथ से शुरू होता है और एनस तक जाता है। सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तीन टाइप्स की होती है। थ्री टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट होती है सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड होती है लीवर और थर्ड होती है पैंक्रियास। तो दोनों मिला के, मतलब एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये दोनों पार्ट मिला के कौन सा पार्ट फॉर्म होता है? ह्यूमन की डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म होती है। ठीक है, अब डिटेल में स्टडी करते हैं दोनों पार्ट्स। तो ये है सपोज होल डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन की। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या देखो। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनल कहाँ से शुरू होता है? तो माउथ से शुरू होता है एलिमेंट्री कैनल और नीचे की तरफ ट्रांसफर होते होते एनस तक प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपको माउथ से लेके एनस तक जो ट्यूब होती है उसे एलिमेंट्री कैनल कहना है। ठीक है, हाँ, अब रिमेनिंग पार्ट कौन सा है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कितनी शो हो रही है यहाँ पे? तीन। फर्स्ट ग्लैंड जो है वो है सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड ग्लैंड जो है वो है लीवर और थर्ड ग्लैंड जो है वो है पैंक्रियास ग्लैंड। अब इन्हें डाइजेस्टिव ग्लैंड क्यों कहा जाता है? इसके पीछे बहुत ही सिंपल रीजन है, क्योंकि ये तीनों ग्लैंड्स डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करती है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी जूस प्रोड्यूस करती है, लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करती है और पैंक्रियास ग्लैंड पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करती है। और ये तीनों जूस हेल्प करते हैं डाइजेशन प्रोसेस के लिए, इसीलिए इन तीनों को डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो है माउथ। तो माउथ जो होता है, तो माउथ की हेल्प इंजेशन प्रोसेस के लिए होती है। अगर हमें कोई भी पार्टिकल अंदर लेना है तो हम अंदर ले सकते हैं उसे माउथ के थ्रू, मतलब फूड, वाटर, कोई भी फूड मटेरियल और वाटर अगर हमें इंटेक करना है और अंदर लेना है तो हम माउथ के थ्रू अंदर ले लेंगे। अब माउथ को कवरिंग होती है लिप्स की। लिप्स होते हैं दो, अपर लिप एंड लोअर लिप, करेक्ट। और माउथ जो है तो वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है, ना कि वर्टिकल डायरेक्शन में, करेक्ट। अब सेकंड पार्ट जो है वो है ओरल कैविटी। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, इट्स कॉल्ड एज फर्स्ट। तो सेकंड पार्ट जो है वो है ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी का काम क्या होता है? ओरल कैविटी को एक और नाम है जिसे कहा जाता है बकल कैविटी। ओरल कैविटी में थ्री पार्ट्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट आता है टीथ, सेकंड है टंग और थर्ड जो है, जो ओरल कैविटी में नहीं आता है, ओरल कैविटी के बाहर होता है लेकिन यहां पे हम स्टडी करेंगे, वो है सलाइवरी ग्लैंड, करेक्ट। तो अब टीथ कितने होते हैं? तो ह्यूमन में, मतलब मॉडर्न मैन में 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। हमारे बॉडी में 32 टीथ प्रेजेंट है। टीथ का काम होता है मैस्टिकेशन, फूड मटेरियल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना। उसके बाद टीथ क्या होते हैं? तो टीथ जो होते हैं, एक्चुअली टीथ हमारे दो टाइप के होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो वो, तब हमारे बॉडी में जो होते हैं वो होते हैं मिल्क टीथ। जब हम बड़े होते हैं तब जो आते हैं वो होते हैं अडल्ट टीथ। मतलब टीथ दो टाइप के होते हैं, तो इसी के कारण हमारे टीथ को डायफोडॉन कहा जाता है। ह्यूमन टीथ आर डायफोडॉन बिकॉज टू टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट, हमारे जो टीथ होते हैं वो चार टाइप्स के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, कुछ होते हैं प्रीमोलर और कुछ होते हैं मोलर्स। मतलब चार टाइप के टीथ हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे टीथ को कहा जाता है हेटरोडॉन। हमारे टीथ कौन से टाइप के होते हैं? हेटरोडॉन। और हमारे जो टीथ है वो, अगर हम एक टूथ देखें
तो एक टूथ जॉ बोन के साथ अटैच होता है कुछ इस तरह से। तो सपोज ये पोर्शन है जॉ का, करेक्ट, और ये है सपोज टीथ। तो टीथ जॉ बोन के साथ अटैच होता है, तो इसी के कारण हमारे टीथ को कहा जाता है थिकाडोंट। मतलब ये तीनों टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है। ह्यूमन टीथ्स आर डायफोडोंट बिकॉज दे आर टू टाइप्स, ह्यूमन टीथ्स आर डिफरेंट टाइप्स हिंस इट इज कॉल्ड एज हेटरोडोंट, एंड ह्यूमन टीथ अटैच विद जॉ बोन हिंस इट इज कॉल्ड एज थिकाडोंट। ओके, अब टीथ का फंक्शन हमने पहले बताया कि मैस्टिकेशन के लिए होता है, फूड मटेरियल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, और टीथ का जो पार्ट होता है मतलब ऊपर का जो पार्ट होता है विजिबल उसे क्राउन कहा जाता है और नीचे वाले हिस्से को रूट कहा जाता है। क्राउन की जो बाहर की कवरिंग होती है उसे डेंटाइन कहा जाता है, जो विजिबल पार्ट होता है वो डेंटाइन होता है। और टीथ में हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है, तो वो होता है इनेमल। इनेमल को हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस कहा जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये होल समरी है टीथ की। और अगर आपको डेंटल फॉर्मूला पूछा जाए ह्यूमन टीथ का, तो वो होता है 2123/2123। हाफ पोर्शन में 8 होते हैं, हाफ पोर्शन में 8, तो टोटल हो गए 16। अपर जॉ में 16 और लोअर जॉ में भी 16, तो टोटल टीथ हो गए 32। ठीक है, जो पर्सन टीथ का स्टडी करता है और जिसे मालूम होती है अरेंजमेंट टीथ की स्टडी की होती है उसे डेंटिस्ट कहा जाता है। अगर हमारे टीथ को कुछ होता है तो हम कहाँ भी जाते हैं, हॉस्पिटल में, कौन से डॉक्टर के पास जाता है, डेंटिस्ट के पास जाता है। ठीक है, और जो ब्रांच है बायो में जिसमें ये सब कुछ स्टडी किया जाता है उसे डेंटिशियन कहा जाता है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, टंग क्या होता है। तो टंग जो होता है वो यहाँ पे देखो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो ट्रायंगुलर शेप होता है और मस्कुलर है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल प्रोजेक्शन आपको दिखाई देती है टंग पे जिसे पेपिली कहा जाता है। टंग पे क्या प्रेजेंट होती है, पेपिलीज। टंग जो होती है वो मस्कुलर होती है, मसल से बनी हुई रहती है, इसका शेप ट्रायंगुलर होता है। ओके, और टंग पे छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर विच पर्पस, फॉर डिटेक्शन ऑफ टेस्ट, टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए। टंग पे क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स। ये जो टेस्ट बर्ड होते हैं इन्हीं पे प्रेजेंट होते हैं गस्टेटो रिसेप्टर्स। ये आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के लिए। अगर आपको पूछा जाए टंग पे कौन से रिसेप्टर होते हैं, तो वो गस्टेटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प होती है सेंस ऑफ टेस्ट के लिए। कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसकी टेस्ट हम आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, अब है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती है, तो यहाँ पे देखो सलाइवरी ग्लैंड्स एक्चुअल में 3 टाइप्स की सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। मतलब एक्चुअली 3 पेयर्स होती है। कितनी पेयर्स होती है सलाइवरी ग्लैंड की, 3 पेयर्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी, फर्स्ट होती है सब मैंडिबुलर फर्स्ट पेयर, सेकंड होती है सब लिंगियल ग्लैंड ये, और थर्ड होती है पैरोटिड ग्लैंड ये। अब आपको इतना समझना है कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है वो लोअर जॉ के नीचे होती है, सब लिंगुअल ग्लैंड जो होती है वो टंग के नीचे होती है, और पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो चीक रीजन में होती है। ठीक है, तो टोटल पेयर्स कितनी है, 3 पेयर्स में प्रेजेंट होती है सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है, तो सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है सलाइवरी जूस। क्या प्रोड्यूस किया जाता है, सलाइवरी जूस प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और सलाइवरी जूस में सलाइवा भी होती है उसके साथ साथ म्यूकस भी होता है। अगर आप पूछोगे कि सलाइवा में होता क्या है, तो सलाइवा में मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, और शॉर्ट में आप इसे अमाइलेज भी कह सकते हैं, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। और म्यूकस जो होता है वो यहाँ पे बोलस फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। और म्यूकस जो होता है उसका काम होता है फूड मटेरियल को एडियर करना। मतलब हम जब फूड चबाते हैं तो फूड चबाने के बाद मतलब फूड मटेरियल को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने के बाद उससे बोलस फॉर्म करना होता है। बोलस मतलब ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करना होता है। तो बोलस कब फॉर्म होगा, जब स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया हुआ फूड उसमें सलावा मिक्स होगी और उसके साथ साथ म्यूकस भी मिक्स होगा,
तब बोलस फॉर्म हो जाएगा। तो फूड मटेरियल को एडहियर करने के लिए म्यूकस हेल्प करता है, ठीक है। सलाइवा में और एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, जिसका काम होता है एंटी बैक्टीरियल नेचर, मतलब अगर हमारे फूड में कुछ पैथोजन आते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम होता है लाइसोजाइम का, ठीक है। हाँ, आई होप इतना सफिशियंट है आपको समझने के लिए। अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अभी हमने कौन सा पार्ट स्टडी किया? सलाइवरी ग्लैंड, तो इसे अभी यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं थर्ड नंबर से, ठीक है। तो माउथ हो गया, ओरल कैविटी हो गई, उसके बाद में सलाइवरी ग्लैंड भी स्टडी कर लिया हमने। उसके बाद ये पार्ट कौन सा है? तो ये पार्ट है पार्ट नंबर 4, जिसे कहा जाता है फैरेंक्स। और फैरेंक्स जो होता है एक्चुअली ये कॉमन पार्ट है जो दो सिस्टम में आता है। यहाँ पे देखो आप, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कौन सा पार्ट आता है? फैरेंक्स। एक्चुअली फैरेंक्स जो होता है तो वो पार्ट कुछ इस तरह से होता है, जिसमें ट्रेकिया जो पार्ट होता है, मतलब सपोज ये ट्रेकिया का पोर्शन है, तो यहाँ पे एक्चुअली एपिग्लॉटिस नाम का पार्ट प्रेजेंट होता है। ये पार्ट करता क्या है? जब बोलस नीचे गिरता है तो बोलस डायरेक्टली ईसोफेगस में डाल दिया जाता है, ना कि ट्रेकिया में। क्यों? क्योंकि एपिग्लॉटिस होने के कारण जब बोलस नीचे जाता है तो बोलस की एंट्री ट्रकिया में अवॉइड कर दी जाती है एपिग्लॉटिस के थ्रू। तो आपको बताना क्या है, अगर फूड पार्टिकल रिस्पिरेटरी सिस्टम में, मतलब ट्रकिया में जाता नहीं है, क्यों नहीं जाता है? ड्यू टू ओनली एपिग्लॉटिस। और ये सीधा चला जाता है बोलस, कहाँ पे गिरता है बोलस? बोलस गिरता है ईसोफेगस में, ठीक है। तो सोलोइंग का फंक्शन होता है फैरेंक्स का, फैरेंक्स पार्ट इज हेल्पफुल फॉर ओनली सोलोइंग, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट नंबर नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज ईसोफेगस, ओके। अब ईसोफेगस जो है ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो यहाँ से फैरेंक्स से स्टार्ट होती है और स्टमक तक पहुंच जाती है, ठीक है। ईसोफेगस की अगर हम लेंथ देखें तो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, लॉन्ग ट्यूब है एक टाइप की। ईसोफेगस जो है तो यहाँ पे एक्चुअली ये पैसेज प्रोवाइड करता है फूड को, मतलब जब हम फूड से बोलस फॉर्म करते हैं तो बोलस सॉलो करने के बाद ईसोफेगस से मूव होते होते नीचे जाता है स्टमक में। तो एक्चुअली होता क्या है, ईसोफेगस में जब फूड मटेरियल आता है तो सपोज ये ईसोफेगस का पोर्शन है, तो यहाँ पे मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। जो बोलस होता है तो बोलस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हुए नीचे आता है। तो ये जो मूवमेंट हो रही है फूड पार्टिकल की यहाँ पे ईसोफेगस में, इस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। नाम ध्यान में रखना है आपको, कौन सी मूवमेंट कहा जाता है इसे? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जो ईसोफेगस में होती है, ठीक है। तो मतलब शॉर्ट में फूड पार्टिकल नीचे लाया जाता है ईसोफेगस से, ठीक है। अब बात करते हैं स्टमक की। स्टमक है सपोज पार्ट नंबर 6। स्टमक जो होता है वो जे शेप पार्ट होता है, इसका शेप जे शेप होता है। और एक्चुअली ये बॉडी के कौन से साइड में प्रेजेंट होता है? तो स्टमक लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है बॉडी के, ठीक है। स्टमक जो है तो इसके एक्चुअल में 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है कार्डियक, ये तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट कार्डियक। सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है फंडस। थर्ड पार्ट होता है बॉडी जो मेन होता है, और नीचे वाला हिस्सा होता है पाइलोरी। तो एक्चुअली स्टमक के पार्ट कितने हैं? 4। कौन कौन से? ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड पार्ट, ये है थर्ड पार्ट, और ये है फोर्थ पार्ट, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरी। तो कार्डियक पार्ट जो होता है उसके नियर अबाउट यहाँ पे स्फिंक्चर होता है, उसे कार्डियक स्फिंक्चर कहा जाता है। और पाइलोरी के नियर यहाँ पे भी एक स्फिंक्चर होता है, उसे कहा जाता है पाइलोरिक स्फिंक्चर। अब स्टमक ये जो पार्ट है इसमें होता क्या है? तो स्टमक में यहाँ पे बोलस के नीचे गिर जाता है, बोलस गिरने के बाद यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस कर दिया जाता है। ये बात आपके लिए मेन है, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है स्टमक में? गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें HCl ज्यादा होता है, जिसके कारण इसकी एसिडिटी और यहाँ पे pH जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है। स्टमक का pH हाईली एसिडिक क्यों होता है?
क्योंकि यहां पे HCl मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, इसी के कारण। ठीक है, अब स्टमक जो है तो स्टमक में होता क्या है, एक्चुअली बोलस आने के बाद उस पे प्रोसेसिंग जब होती है तो यहां पे सेमी सॉलिड लाइक सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। ये होता है सब्सटेंस जिसे काइम नाम से बोला जाता है और काइम नाम से बुलाया जाता है। कौन सा सब्सटेंस है ये? काइम। तो अगर आपको पूछा जाए बोलस इज कन्वर्टेड इनटू काइम, ये प्रोसेस होती कहां पे? तो वो होती है स्टमक में, इस पार्ट में। मतलब ऐसा कहा जाता है कि स्टार्च थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होता है ओरल कैविटी में, और प्रोटीन डाइजेशन की अगर बात आती है तो प्रोटीन ज्यादातर मात्रा में डाइजेस्ट किया जाता है स्टमक में। तो प्रोटीन डाइजेशन के लिए कौन सा पार्ट हेल्प करता है? स्टमक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्टमक इज हेल्पफुल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। बाकी के भी पार्ट डाइजेस्ट किए जाते हैं स्टमक में, लेकिन प्रोटीन ज्यादातर केसेस में किया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा है स्टमक का? तो वो होता है पेप्सिन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक के पास कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है। ठीक है, और स्टमक में होता क्या है? तो स्टमक में फूड पार्टिकल की चर्निंग होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है उसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। ये पार्ट, पार्ट नंबर 7 कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो हाईली कॉइल्ड होता है और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। इसकी साइज कितनी होती है? 6 मीटर लॉन्ग। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो आपने, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है डियोडेनम, ये जो यू शेप होता है और जिसकी साइज 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, दूसरी बात यहां पे सेकंड पार्ट जो है वो है जेजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट, ये होता है 2.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, और ये जो है लास्ट वाला इसे कहा जाता है इलियम। कौन सा पार्ट है? इलियम। और ये होता है हाईली कॉइल और 3.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, इतने लॉन्ग होता है और इतना बड़ा होता है ये पार्ट। तो एक्चुअली डियोडेनम ये पार्ट, उसके बाद जेजुनम ये पार्ट और इलियम, ये तीनों पार्ट जो है तो ये फॉर्म करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन। ओके, और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 प्रोसेस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल इंटेस्टाइन में बचा हुआ डाइजेशन पूरा हो जाता है, मतलब डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन भी होता है। जो जो फूड मटेरियल हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है उनका एब्जॉर्प्शन भी इसी पार्ट में होता है जिसे कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और हाँ, एक चीज बता दो आपको, यहाँ पे लिवर आ रहा है और यहाँ पे पैंक्रियास ग्लैंड है, तो आपको बताना है लिवर का सिक्रीशन होता है बाइल जूस। अगर आपको पूछा जाए लिवर क्या प्रोड्यूस करता है, तो लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस जो स्टोर किया जाता है गाल ब्लैडर में। ठीक है, और पैंक्रियास ग्लैंड जो होती है ये प्रोड्यूस करती है पैंक्रियाटिक जूस। क्या प्रोड्यूस करती है? पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि लिवर में एक भी एंजाइम नहीं होता है, लेकिन पैंक्रियास ग्लैंड में जो पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होता है उसमें ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम मेन होता है। कौन सा एंजाइम मेन है? ट्रिप्सिन। ओके, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो है लार्ज इंटेस्टाइन, पार्ट नंबर 8। तो अब पार्ट कौन सा स्टडी करना है? पार्ट स्टडी करना है लार्ज इंटेस्टाइन। एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन की जो डायमीटर होती है वो थोड़ी बड़ी होती है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की डायमीटर छोटी होती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की डायमीटर थोड़ी बड़ी होती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे एक पार्ट होता है स्टार्टिंग में जिसे कहा जाता है अपेंडिक्स, जो हमारे बॉडी में वेस्टिजियल है, मतलब कुछ काम का नहीं है। लेकिन पहले ये जो अपेंडिक्स नाम का पार्ट था इसकी हेल्प होती थी डाइजेशन करने के लिए। कौन से सब्सटेंस की? सेलुलोज नाम का जो सब्सटेंस होता है उसका डाइजेशन करने के लिए अपेंडिक्स की हेल्प होती थी। अब लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट कितने होते हैं? तो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं 3। फर्स्ट पार्ट होता है सीकम, ये। सेकंड पार्ट होता है कोलॉन, ये। ठीक है, और थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है रेक्टम, ये पार्ट जिसमें
अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो सीकम मतलब फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, यहाँ पे आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलेगी, कुछ बैक्टीरिया भी रहते हैं यहाँ पे। उसके बाद कोलन जो है, तो कोलन फोर टाइप्स ऑफ होते हैं, असेंडिंग, उसके बाद ट्रांसवर्स, उसके बाद डिसेंडिंग और उसके बाद सिग्मोइड। तो ये फोर टाइप्स ऑफ कोलॉन्स प्रेजेंट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये पार्ट है रेक्टम। रेक्टम का काम होता है टेम्पररी स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल स्टोर किया जाता है, टेम्पररी स्टोर किया जाता है रेक्टम पार्ट में। ठीक है, और लास्ट का जो पार्ट है वो है एनस। लेकिन उससे पहले, एनस देखने से पहले, अगर आपको लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन पूछे जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता है वाटर, मिनरल, ड्रग्स का, और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होता है उसे मूव करते करते लास्ट में रेक्टम पार्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। रेक्टम का काम ही होता है स्टोरेज का, टेम्पररी स्टोरेज प्रोवाइड करना। ओके, अब देख लेते हैं लास्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज एनस। तो पार्ट नंबर 9 कौन सा है? एनस। अब एनस जो होता है, तो एनस का काम होता है, एनस को स्फिंक्टर की कवरिंग होती है, और एनस का काम होता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बॉडी से बाहर रिमूव करना। तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है इजेशन। मतलब इजेशन और डेफिकेशन के लिए, इजेशन और डेफिकेशन करने के लिए एनस की हेल्प होती है। ठीक है, तो एक बार फिर से शॉर्ट में समझा देता हूं। माउथ इंजेशन के लिए हेल्प करता है, उसके बाद मैस्टिकेशन होता है यहाँ पे ओरल कैविटी में, उसके बाद लुब्रिकेशन, उसके बाद सॉलोइंग, फैरिंग्स में भी सॉलोइंग, ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, स्टमक में चर्निंग, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन, उसके बाद में असिमिलेशन होता है सेल में। ओके, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद में मूवमेंट करते हुए फूड पार्टिकल रेक्टम में पहुंच जाता है अनडाइजेस्टेड, और उसके बाद में एनस के थ्रू होती कौन सी प्रोसेस? इजेशन और डेफिकेशन। तो आई होप ये जो पूरा पोर्शन है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फर्स्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल माउथ से एनस तक, और सेकंड पार्ट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कितनी होती है? 3। फर्स्ट होती है सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड होती है लीवर, और थर्ड होती है पैंक्रियाज ग्लैंड। हालांकि स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करने वाली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है, और इंटेस्टाइन में जूस प्रोड्यूस करता है उसे इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है। ठीक है, तो ये था पूरा पोर्शन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। आई थिंक आपको जो है कि ये पार्ट और ये पोर्शन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और डिफिकल्टी हो तो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नेक्स्ट वीडियो, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट और डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको और भी कुछ वीडियो देखने हैं तो आप चैनल पर जाके भी देख सकते हैं, और ऊपर आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में भी प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, नहीं तो वीडियो के लास्ट में भी प्रीवियस वीडियो आपको मिल जाएंगे। ओके, और हाँ, नया व्लॉग चैनल मैंने ओपन किया हुआ है, तो अगर आपको मेरे पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं, और मेरे जो पर्सनल व्लॉग्स है और पर्सनल जो वीडियोस है वो देखने हैं, तो आपको जो मेरा सेकंड चैनल है वो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका वीडियो आपको वीडियो के लास्ट में जो एंड स्क्रीन लगेगी वहाँ पे नेक्स्ट और न्यू चैनल का जो वीडियो है वो आ जाएगा। ओके, तो न्यू चैनल जो है, तो न्यू चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है किशोर झगड़े, और ये जो चैनल है ये भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर एजुकेशनल वीडियो देखनी है तो। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टडी हार्ड।